हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जी का सॉल्व जो भी पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें इसमें बनाना था, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वीडियो बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम आई थी और क्वेश्चन नंबर थ्री सी उसमें रह गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री सी इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट पढ़ेंगे। तो अब इसमें अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द ड्यूल ऑफ द ड्यूल ऑफ मिनिमम प्रॉब्लम इज मिनिमम इटसेल्फ। ओके, तो एक बात हमें याद रखनी है हमेशा कि ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होती है और प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है। जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है, वो होती है हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड इसका ड्यूअल प्रॉब्लम होती है हमारे पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास प्राइमल एंड ड्यूअल में। अब क्वेश्चन क्या है, सो दैट द ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल ऑफ मिनिमम प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम प्रॉब्लम है, फिर उसका हमें ड्यूअल निकालना है। यानी मिनिमम प्रॉब्लम है बट गिवन क्या है, वो प्राइमल प्रॉब्लम है, एज अ प्राइमल प्रॉब्लम। यानी कि लेट मिनिमम प्रॉब्लम, तो ये होगा हमारे पास मिनिमम जेड इक्वल टू, यहां से ले लेते हैं सी ट्रांसपोज एक्स एंड सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन बी एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से ले सकते, यहाँ पर हम ये लाइन में लिख के कर सकते हैं सॉल्यूशन विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी, विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी वी कैन टेक मिनिमम प्रॉब्लम एज मिनिमम प्रॉब्लम एज मिनिमम जेड डी इक्वल टू, इसको मैं माइनस सी ट्रांसपोज ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, माइनस सी ट्रांसपोज एक्स विदाउट लॉस ऑफ जेनरिटी लिया है हमने, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सिंपली सी टी को अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें हमारे पास कोई भी जो जनरल कंडीशंस हैं वो इसकी लॉस नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स लेस देन बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली मिनिमम प्रॉब्लम थी बट इसको हमने यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ रीराइट किया है। ठीक है, इसको हमने रीराइट कर दिया है। अब जब हमने इसको रीराइट कर दिया है तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ ड्यूअल ऑफ, इसको मैं बंद दे देता हूँ, ड्यूअल ऑफ प्रॉब्लम वन। ठीक है, प्रॉब्लम वन के जो ड्यूअल है मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इस तरह से मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये हमारे पास ड्यूअल प्रॉब्लम है और उन्होंने क्या क्या कहा है, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम। अब इस ड्यूअल प्रॉब्लम की ड्यूअल निकालनी है, तो ड्यूअल प्रॉब्लम के निकालने के लिए पहले इसकी अगर मैं ड्यूअल निकालना चाहूँगा तो पहले इसको मुझे एज ए प्राइमल प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ओमेगा एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस, अगर मैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस देखूँ
तो ये हमारे पास मैक्सिमम में तो कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन का साइन चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस वन का, तो माइनस ए ट्रांसपोज ओमेगा लेस देन इक्वल टू माइनस सी एंड ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, अगर ये देखो तो ये हमारे पास सब प्राइमल प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, साथ में ही यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब इसमें कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में, ड्यूल ऑफ द ड्यूल। अब इस प्रॉब्लम की फिर से हमें ड्यूल निकालनी है, तो इस प्रॉब्लम की फिर से अगर मैं ड्यूल निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, ड्यूअल हो जाएगी हमारे पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस सी है तो माइनस सी ट्रांसपोज ओमेगा, फिर सॉरी अगर मैं इसको और कोई वेरिएबल दे लूँ, सपोज मैं इसको वेरिएबल दे रहा हूँ वाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज वाई, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बी, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, सॉरी लेस देन था तो यहाँ पे इसका प्राइमरी प्रॉब्लम में ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको फिर से रीराइट करूँ तो रीराइट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमम जेड, इसको डी डैश दे देता हूँ, इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज वाई, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, तो माइनस ए ट्रांसपोज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे बी माइनस का नहीं दिखा है, ये अगर देखो तो बी माइनस में था तो यहाँ पे माइनस बी आएगा, अगर मैं दोनों का दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लूँ तो साइन चेंज हो जाएगा और माइनस साइन जाएगा, ठीक है, वाई ग्रेटर देन 0। अब अगर आपको याद हो जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे एक लिखी थी, उसी प्रॉब्लम के कंपैरिजन में अगर मैं इसको चेंज, आफ्टर चेंजिंग द वेरिएबल नेम, आफ्टर चेंजिंग द नेम ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल को मैं रिप्लेस कर दूँ तो मिनिमम जेड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी ट्रांसपोज एक्स एंड सब्जेक्ट टू ए, सॉरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आएगा था, ए एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन 0। तो जो हमने जो प्रॉब्लम ली थी स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल ऑफ मिनिमम प्रॉब्लम, क्योंकि मिनिमम प्रॉब्लम ली थी, मिनिमम प्रॉब्लम भी है, उसका जो ड्यूअल होगा वो मिनिमम होगा, इस तरह से वही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A, फाइंड द इनिशियल वीएफएस ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, जहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन की डिमांड गिवन है और ओरिजिन की सप्लाई गिवन है, सॉरी डेस्टिनेशन से डिमांड एंड सप्लाई जो है उसकी गिवन है हमारे पास। अब हमें सबसे पहले जो काम है, जो सॉल्व करते टाइम काम करते हैं, वो चेक करते हैं हम कि इनकी इसमें उल्टा क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे डिमांड रहेगा और यहाँ से सप्लाई रहेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है, जो गिवन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं। तो टोटल सप्लाई में अगर देखूं तो ये है हमारे पास 200, एंड अगर मैं टोटल डिमांड देखूं तो ये हमारे पास 100 एंड 100, यानी कि 200, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये 200 है, 200 है, तो इस कंडीशन में ये क्या इंप्लाई कर रही है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है तो
तो अब हमें इसका इनिशियल बीएफएस निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो गिवन पूछा हुआ था, वो पूछा था फर्स्ट में हमें इसका इनिशियल बीएफएस देना था बाय एंड डब्ल्यू सी आर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से देख निकालते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है कि इनिशियल बीएफएस निकालने के लिए जो भी डिमांड या सप्लाई में से पहले जो फुलफिल हो सकती है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की साइड से चालू करो। यानी कि अगर इसकी 60, 50, 40 एंड 50, इसकी सप्लाई जो पॉसिबल है वो है 50, 70, 80 और इसकी कॉस्ट जो है वो है 5, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 6, 9, 8, 8, 9। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पे ये यहाँ पे, तो यहाँ से पहले क्या फुलफिल हो सकती है, अगर सप्लाई देखो तो 50 सप्लाई हो सकती है इस यहाँ से बेसिकली O1 से D1 पर। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं देखूँ डिमांड देखूँ, D1 की डिमांड जो है वो है 60 और ये इसके पास अवेलेबल कितना है 50, तो फुलफिल कितनी हो सकती है, ओनली यहाँ से 50 फुलफिल हो सकती है। अब 50 फुलफिल हो जाएंगे तो इसका हमारे पास कोई रोल अब नहीं बचेगा। ठीक है, अब इस पे जो डिमांड जो बची हुई थी वो 10 डिमांड इसकी और बची हुई है। तो यहाँ से अगर डिमांड बची हुई है तो फिर से नॉर्थ वेस्ट साइड में जाएंगे क्योंकि अब इस रो का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे ये 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फुलफिल ओनली 10 ही हो सकती है। 70 इसके पास बेसिकली भले ही अवेलेबल ज़्यादा हो बट डिमांड इसकी 10 ही है अब। ठीक है, अब इसके पास कुछ डिमांड नहीं बची हुई। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट पर, अब इस पर देखूँ तो यहाँ पे 60 इसके पास अवेलेबल है बट डिमांड 50 है। तो यहाँ पे 50 कंप्लीट हो जाएंगी, यूनिट नंबर ऑफ 50 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी। अब इसके पास 10 बची हुई है, इसकी डिमांड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 10 फुलफिल हो जाएंगी, या अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से अगर देखूँ मैं तो डिमांड जो है अवेलेबिलिटी 10 है, डिमांड 40 है बट जो मिनिमम होगा वो फुलफिल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसकी डिमांड जो है वो है 30 और इसके पास अवेलेबिलिटी है 80, तो यहाँ से 30 फुलफिल हो जाएगा। अब इसके पास कुछ भी नीड नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में फाइनल में क्या बचा, 50 इसकी डिमांड है, 50 इसकी अवेलेबिलिटी बची हुई है। तो ये हमारे पास इनिशियल बीएफएस आ गया। अब इसके इसकी हेल्प से इनिशियल बीएफएस हम लिख सकते हैं यहाँ से O1 टू D1 50, O2 टू D2 सॉरी O2 टू D1 10 यूनिट्स, O2 टू D2 50 यूनिट्स, O2 टू D3 10 यूनिट्स, O3 टू D3 30 यूनिट्स एंड O3 टू D4 50 यूनिट। ठीक है, और कॉस्ट अगर निकालनी है तो कॉस्ट, अगर कॉस्ट मैं निकालना चाहूँ तो कॉस्ट निकाल सकता हूँ 50 इंटू 5, 10 इंटू 6, 50 इंटू 7, यहाँ पे 10 इंटू 7, 30 इंटू 8 एंड 50 इंटू 90। इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी इस इनिशियल बीएफएस की, ऑप्टिमल नहीं है, इनिशियल बीएफएस है, उसकी कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि इसको हमें इनिशियल बीएफएस निकालना है यूजिंग आइदर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम दोनों ही पढ़ लेते हैं कि किस तरह से लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकालते हैं और किस तरह से वोगल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम इनिशियल बीएफएस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट कॉस्ट में क्या होता है, जैसे नाम से इंडिकेट कर रहा है कि लोएस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे पहले जो लोएस्ट कॉस्ट होगी उसकी एंट्री, उसमें एंट्री होगी। यानी अगर इसमें देखो तो मैं 3 जो है लोएस्ट है, तो यहाँ पे इसकी जो 3 के अकॉर्डिंग डिमांड जो है 40, अवेलेबिलिटी 50, तो यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी इसकी 40
इसकी कोई डिमांड बचेगी नहीं, पर अवेलेबिलिटी 10 रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम में देखेंगे तो नेक्स्ट मिनिमम 4 है, तो यहाँ पे या तो पहले इसकी अवेलेबिलिटी देखें हम O1 O2 O3, तो अवेलेबिलिटी अब 10 बची हुई है, डिमांड 50 बची हुई है, जो जो मिनिमम होगा वो फुलफिल हो पाएगा। तो ये हमारे पास इसकी अब अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं बची, डिमांड इसकी अभी 40 है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से मैं देखूँ तो जो भी मिनिमम होगा, अब क्योंकि इस रो में नहीं देखना क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों रो में देखना है। अब इन दोनों रो में देखूँ तो यहाँ से 6 जो है वो मिनिमम है, जहाँ पे दो दो जगह 6 मिनिमम है, ठीक है। हम या तो रेंडमली चूज कर सकते हो, कोई भी रेंडमली चूज कर लो। सेकंड हम वो चूज करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट यूनिट करने की। तो अगर मैं इसको चूज करूँ तो यहाँ से मैं 50 और 70 में से, मतलब 50 जो मिनिमम है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये चूज करूँ तो 70 और 60 में से, मतलब 60 ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, तो 60 चूज कर लिया मैंने, ठीक है। ये 60 चूज कर लिया, तो यहाँ से अब इसकी डिमांड कुछ भी नहीं बची बची, अवेलेबिलिटी 10 है, ठीक है। फिर से अगर मैं देखूँ तो इसकी डिमांड जो है वो 10 यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट मिनिमम फिर से 60 बचेगा, और यहाँ पे इसकी डिमांड जो होगी 40 बच जाएगी, ठीक है। और इसके पास अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है अब। अब फिर से नेक्स्ट मिनिमम देखूंगा तो 8 है, 2 बार है। अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो इसको चूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कॉलम में कोई डिमांड है ही नहीं, तो इसी 8 को चूज करना होगा। तो इस 8 के अकॉर्डिंग 40 जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। 40 पॉसिबल है, तो इसकी डिमांड नहीं बची, इसके पास अवेलेबिलिटी जो है वो 40 बची हुई है, 40 बची हुई है वो। और यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे इसकी डिमांड बची हुई है 40, ये हो गए। तो ये हमारे पास आ गए लोएस्ट कॉस्ट से। सिंपली सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम यहाँ से, O12 D2 कितनी 10 यूनिट्स, O12 D3 40 यूनिट्स, O12 D1 जो है वो आ जाएगी 60 यूनिट्स, O22 D4 10 यूनिट्स, O32 D2 40 यूनिट्स एंड O32 D4 40 यूनिट्स। ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया। और कॉस्ट निकालने के लिए सिंपली 10 इंटू 40 10 इंटू 40 40 इंटू 30 एंड 60 इंटू 6 10 इंटू 6 40 इंटू 8 एंड 40 इंटू 9। ये इनका मल्टीप्लाई कर करके और अगर हम सम कर देंगे तो जो कॉस्ट आएगी वो उसकी वैल्यू होगी, यानी कि उस ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू होगी जब हमने इनिशियली VFS निकाला है लोएस्ट कॉस्ट पे। अब इसके बाद जो मेथड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दो ऑप्शन थे, लोएस्ट कॉस्ट या पेनल्टी से। अगर जिनको लोएस्ट कॉस्ट नहीं पता वो पेनल्टी से अगर सीखना चाहे तो पेनल्टी से भी हम देख लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, तो या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड कुछ भी कह सकते हैं उसको, पर यूनिट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से अगर हम सीखना चाहें तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है कि इनमें पेनल्टी चेक करनी होगी हमें, ठीक है। पेनल्टी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम टू टू कॉस्ट, ठीक है। यानी कि अगर कोई वो बंदा जो मिनिमम को चूज ना करे, किसी और को चूज करे, तो उसको पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है? तो इसमें अगर मैं देखूँ, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम पेनल्टी 1 हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम पेनल्टी 6 और 6 दोनों बराबर हैं 0, इसमें 2 मिनिमम बराबर हैं 0, इसके अकॉर्डिंग पेनल्टी 1 हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग पेनल्टी 3 हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग पेनल्टी 4 हो सकती है, और इसके अकॉर्डिंग पेनल्टी 1 हो सकती है। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम पेनल्टी होगी उसको चूज कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर है, तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर है, तो यहाँ के इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एंट्री होगी वो इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, 40 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 40 की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से हमारे पास अब इसकी कोई भी डिमांड नहीं बची, ठीक है। फिर से हम पेनल्टी चेक करेंगे, तो रो में पेनल्टी चेंज होंगी, कॉलम में पेनल्टी चेंज नहीं होंगी, इसको चेक करना नहीं है। तो
रो में पेनल्टी चेक हो रही है तो यह चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें तो 4 और 5 के बीच में सिंपली डिफरेंस 1 ही है। उसके बाद इसमें अगर मैं देखूँ पेनल्टी में, अगर देखूँ मैं इसमें, तो अब मुझे इसको हटा देना है, इसको हटा के चेक करना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये 0, इसमें देखो तो 9 और 8 और 9 के बीच में 1, ठीक है। फिर से मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टी देखूँ तो मैं यहाँ पे, ये मैक्सिमम पेनल्टी है क्योंकि इस बार हमें कॉलम की चेक करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होगी, यहाँ चेंज नहीं होगी, यहाँ पे चेंज करने से भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो 3, अब इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है इसमें 4, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है 50, ठीक है। बट इसके पास अवेलेबिलिटी यहाँ पे 40 होने के बाद 10 अवेलेबिलिटी बची हुई थी, तो 10 यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं, इसके पास 40 फिर बचे, ठीक है। अब इस कॉलम को हम हटा देंगे, ठीक है। फिर से पेनल्टी चेक करेंगे तो इस कॉलम की पेनल्टी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर पेनल्टी देखूँ तो 0, इसमें अगर पेनल्टी देखूँ तो ये हमारे पास 1, क्योंकि मिनिमम 2 का डिफरेंस देख रहे हैं। इसमें पेनल्टी देखूँ तो 6 और इसके बीच में 3, इसके बीच में 1, इसके बीच में 3, ठीक है। अब 2 मिनिमम पेनल्टी जो है वो सेम है, 3 एंड 3। तो जहाँ पर भी कॉस्ट मिनिमम होगी उसको चूज करेंगे, दोनों में कॉस्ट भी सेम है। तो जहाँ अगर दोनों में कॉस्ट सेम है तो उस कंडीशन हम चूज करेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कैन बी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको चूज करूँ तो 60 ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, इसको चूज करूँ तो 50। तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। तो इसको चूज करने पर इसकी हमारे पास कोई भी डिमांड नहीं बचेगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी इसके पास 10 बचेगी। अब फिर से मैं वही हम मुझे इसकी पेनल्टी चेक करनी होगी। अब पेनल्टी जो है कॉलम कटा है, ठीक है, कॉलम कटा है तो इनकी कोई पेनल्टी चेंज नहीं होगी, इसकी कोई चेंज नहीं होगी, बट रो, हर रो की पेनल्टी चेंज हो सकती है। तो इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी 1, इसकी पेनल्टी हमारे पास चेंज नहीं होगी, 1 ही है, इसकी पेनल्टी 3 है। फिर से यहाँ पे तो मिनिमम है क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी इस बार क्या है, 3, 3 को चूज करेंगे। और 3 को चूज करने पर ये हमारे पास डिमांड कितनी फुलफिल हो सकती है, 10। अब ये फुलफिल हो गई तो हमारे पास इसकी तरफ से ये फुलफिल हो गया, अब इसके पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर से अब हमें पेनल्टी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस यही बचे हुए हैं, दोनों कॉलम दोनों में एंट्री होनी है। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी डिमांड बची हुई है, 40, और इसके अकॉर्डिंग कितनी बची हुई है, 40। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, O1 टू डी टू इक्वल टू 10, O1 टू डी थ्री इक्वल टू 40, O2 टू D1 इक्वल टू 60, O2 टू D4 इक्वल टू 10, एंड O3 टू D2 40, एंड O3 टू D4 40, ठीक है। और जब कॉस्ट निकालनी होगी तो कॉस्ट निकालने के लिए सिंपली 10 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 8 प्लस 90 इंटू 4 40 इंटू 9, ठीक है। ये इसका जो सम करेंगे वो हमारे पास की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी उसका हम बेसिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन है। अगर मिनिमम पूछा होता तो उस कंडीशन में हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि यूवी मेथड से निकालते हैं उससे निकालते हैं। अब फ्रेंड्स ये 4 का बी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इनिशियल VFS यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड फर्दर फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग MODI मेथड, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनिशियल VFS निकालना होगा गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट जो है वो लिख लेता हूँ 2 4 5 1 7 3 4 6 5 1 6 1, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन से हमारे पास 20, 15 एंड 25 अवेलेबिलिटी है, डिमांड है 10,
25 एंड 5। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले, यहाँ पे भी सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो गिवन है वो हमारे पास बैलेंस है या नहीं। तो अगर मैं टोटल डिमांड देखूँ, टोटल अवेलेबिलिटी देखूँ, तो 25 प्लस 15 ये हो गया मेरे पास 40 और 20 60। ठीक है, अगर इसका सम देखो तो 30 एंड 30 60, यानी कि 60 60। तो ये हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, अगर जब बैलेंस है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनबैलेंस है तो उस कंडीशन में हमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन से निकालना है, जो कि बेसिकली कॉस्ट पे काम, पेनल्टी पे काम करता है। तो पेनल्टी निकालनी है हमें हमेशा, इसकी पेनल्टी और इधर भी पेनल्टी। ठीक है, तो पेनल्टी अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसकी पेनल्टी 1, इसके करस्पॉन्डिंग पेनल्टी मिनिमम 2 के बीच में डिफरेंस 1, इसमें पेनल्टी 0, इसमें अगर पेनल्टी निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3, इसकी पेनल्टी अगर निकालना चाहूँ तो 2, इसकी पेनल्टी अगर निकालना चाहूँ तो मैं 1, इसकी पेनल्टी निकालना चाहूँ तो 0। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 के बीच में डिफरेंस जो है वो 0 है। तो ये हमारे पास इसकी पेनल्टी आ चुकी है। अब मेरा काम क्या है कि जो मैक्सिमम पेनल्टी है उसको चूज करना। मैक्सिमम पेनल्टी को चूज कर लिया, अब मैक्सिमम पेनल्टी में जो भी मिनिमम एंट्री होगी उसकी या तो डिमांड या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम होगा उसको फुलफिल करना है। तो 10 डिमांड है, अवेलेबिलिटी 20 है, तो 10 यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी, इसकी अब कोई भी डिमांड नहीं बचेगी, अवेलेबिलिटी 10 बचेगी इसके पास। ठीक है, तो इस कॉलम को अब मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बाकी बचे हुए में से फिर से देखूंगा, यानी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो पेनल्टी सिर्फ रो की चेंज होंगी क्योंकि ये कॉलम हटा है। इससे अगर मैं कॉलम की चेक करूंगा तो कोई भी कुछ और किसी कॉलम रो में चेंज ही नहीं हुआ किसी एंट्री में, तो हमारे पास पेनल्टी जो होगी सेम होगी 2 1 0, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसकी अगर मैं पेनल्टी देखूँ तो इसकी पेनल्टी हो गई 3, इसकी पेनल्टी अगर देखूँ तो इसकी पेनल्टी भी हो गई 3, इसकी पेनल्टी देखूँ तो वो 0 है ये। ठीक है, तो अब फिर से मिनी मैक्सिमम पेनल्टी 3 या 3, दोनों 3 हैं। अब उस पेनल्टी को चूज करना है जहाँ से मैं मिनिमम कॉस्ट वाली एंट्री को चूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको चूज करूँ तो यहाँ से 1 को चूज करूँगा, इसको चूज करूँगा तो यहाँ से मैं 3 को चूज करूँगा। तो पहले मैं इसको चूज करूँगा, ठीक है, इसको चूज किया। अब मैं इसमें से क्या एंट्री फुलफिल कर सकता हूँ, 5 डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ, 5 और 5 ही मैं इसमें अवेलेबिलिटी फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं फुलफिल कर सकता हूँ, ये हमारे पास अब इसकी कोई भी डिमांड नहीं बची, बट इसके पास अवेलेबिलिटी अब भी 5 है। ठीक है, तो अब भी इस कॉलम में चेंज नहीं हुआ, तो पेनल्टी जो है कॉलम वाइज पेनल्टी कुछ चेंज नहीं होगी, बट इनकी पेनल्टी चेंज हो चुकी है। तो इसकी पेनल्टी अब क्या है, 1, इसकी पेनल्टी क्या है, 1, इसकी पेनल्टी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये है 5। तो मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर है, 5 पर। ठीक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी वाली एंट्री को चूज करेंगे, तो ये चूज कर लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग में क्या एंटर कर सकता हूँ, यानी किसको कितना फुलफिल कर सकता हूँ, 20 डिमांड है, 25 अवेलेबिलिटी है, तो 20 डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, 20 डिमांड फुलफिल करते ही ये कॉलम हट जाएगा, अब ये कॉलम भी हट गया, अब हमारे पास सिर्फ एक कॉलम बचा है। अब हमें डिमांड या अवेलेबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, अब जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री जो फुलफिल हो सकती है वो सिर्फ यहाँ हो सकती है 5, इसके अकॉर्डिंग जो फुलफिल हो सकती है वो हो सकती है यहाँ पे 15, और इसके अकॉर्डिंग जो बची हुई 5 यहाँ फुलफिल हो सकती है। तो ये हमारे पास इसका इनिशियल VFS आ गया। ठीक है, जब इनिशियल VFS आ गया तो उसके बाद हम मोदी मेथड MODI मेथड लगा के हम निकालते हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास, तो इसको हम यहाँ से फिर से लिख लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारे पास 2 4 5 1 7 3 4 6 5 1 6 1, और इसमें कॉस्ट की एंट्री 10, 5 यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 20। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो m+n-1 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6,
और एम प्लस वन जो होता है वो थ्री थ्री प्लस फोर सिक्स होता, सॉरी सेवन होता, तो ये हमारे पास सिक्स है। तो अब यहाँ से हम इसका इसमें यू वी मेथड लगा सकते हैं। तो यू वी मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको इसको वैल्यू दे दिया यू वन यू टू यू थ्री वी वन वी टू वी थ्री वी फोर। तो यू वी मेथड क्या कहता है, जहाँ पे भी इसको सेल की एंट्री है वहाँ पे यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो जहाँ पे एंट्री है तो पहले एक किसी एक को हमें वैल्यू देनी होगी। हमने यू वन को वैल्यू जीरो दे ली, तो उसके बाद यू वन प्लस वी वन इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी यू वन पहला रिलेशन क्या बना, इसके अकॉर्डिंग देखू मैं यू वन प्लस वी फोर इक्वल टू वन। तो यहाँ से वी फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली वन। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वी थ्री इक्वल टू फाइव, एंड यहाँ से मैं देखूँ तो वी वन इक्वल टू टू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ वी थ्री इक्वल टू फाइव, तो यू टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस वन, और यू थ्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन। क्योंकि अगर मैं फाइव माइनस वन करूँ तभी तो फोर आएगा, इस तरह से फाइव प्लस वन करूँ तो सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये हमारे पास आ चुका है यहाँ से यू आई और वी जे की वैल्यू। और अब हम चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे, बेसिकली यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे का साइन चेक करेंगे, जो कि नॉन एम्प्टी सेल है उनके लिए। चेक साइन ऑफ फॉर नॉन एम्प्टी सेल, ठीक है, फॉर नॉन सॉरी एम्प्टी सेल, जहाँ से हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसके लिए चेक करूँ तो जीरो जीरो माइनस फोर नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव है तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। और इसके लिए चेक करूँ तो टू माइनस वन सेवन, एंड माइनस सेवन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। इसके अकॉर्डिंग चेक करूँ तो जीरो माइनस वन माइनस थ्री एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। वन माइनस वन माइनस सिक्स नेगेटिव आएगा, टू वन, और ये हमारे पास टू सॉरी टू वन माइनस फाइव एंड थ्री माइनस फाइव, ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ से देखूँ तो वन प्लस वन टू माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव वन। अगर सारे ही नेगेटिव होते या जीरो होता उसमें कोई भी, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल है। बट जब सारे नेगेटिव नहीं है, एक टर्म पॉजिटिव है वन, तो मैक्सिमम जो भी पॉजिटिव होगा उसको चूज करेंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री हमें यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। क्योंकि ऑल डी आई जे आर नॉट, बेसिकली अगर मैं इसको डी आई जे दे दूँ, नॉट नेगेटिव और जीरो, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे सपोज हमने एक एंट्री करा दी थीटा की, यहाँ पे अगर हमने थीटा की एंट्री करा दी तो इस थीटा का इम्पैक्ट क्या होगा, इस थीटा का इम्पैक्ट क्या होगा, सिंपली अगर यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट आइधर यहाँ से कुछ कम होगा या फिर यहाँ से कुछ कम होगा, क्योंकि जो टोटल जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम है, यानी 25 टोटल यहाँ की अवेलेबिलिटी तो वो 25 रहेगी। अब 25 प्लस थीटा हो चुकी है अवेलेबिलिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिमांड इसकी 5 थी, बट यहाँ से 5 यहाँ से डिमांड, और थीटा यहाँ से, तो 5 प्लस थीटा जो कि जरूरी नहीं है। अब हमें थीटा को इस तरह से मूव करना है, एक लाइन इस तरह से मूव करते हुए घुमानी है जो कि राइट राइट एंगल पे घूमेगी, और कहाँ से घूमेगी, जहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको, अगर यहाँ पे कुछ एंट्री होगी तो यहाँ से कुछ माइनस होगा, अगर यहाँ से कुछ माइनस होगा तो फिर यहाँ से कुछ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ से माइनस तो कुछ यहाँ से प्लस, अगर मैं यहाँ से कुछ प्लस करूंगा या यहाँ से प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसको अगर ले जाऊँ तो फिर एंट्री जहाँ से होगी वहाँ से मुड़ेगी, अगर मैं इसको यहाँ से ले जाके यहाँ से ले जाके और यहाँ पे ले जाऊँ तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पे तो ले जा सकता हूँ, बट यहाँ से मैं नीचे नहीं ला सकता, ना यहाँ ला सकता हूँ,
ठीक है, तो यहीं से मुझे इसको मूव कराना, बैक कराना होगा। इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, कोई भी एंट्री नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ फिर प्लस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, क्योंकि अब अगर मैं ऐड करूँ तो ये 25 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कट जाएगा। टोटल डिमांड और अवेलेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब थीटा को इस तरह से चूज करना है हमें कि जो जाके जहाँ पे भी माइनस वाला थीटा है, यानी 5 माइनस थीटा एंड 5 माइनस थीटा दो बार है, तो ये जो है इसमें से जो भी मिनिमम, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँ और जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों जगह 5 5 आई है, बट अगर अलग अलग टर्म होती तो वहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू आती, जो भी मिनिमम होता उसको हम चूज करते। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 5 चूज कर लेंगे, ठीक है, चूज थीटा इक्वल टू 5। और थीटा इक्वल टू 5 चूज करने पे हमारे पास ये टेबल में क्या चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास 10 ही रहेगा। टू ये कॉस्ट फिल कर लेते हैं पहले, 5 1 7 3 4 6 5 1 6 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कोई सा भी थीटा पुट कर सकते हैं, बट जिस भी थीटा को लें, सपोज अगर हम इसको ले रहे हैं, यानी इस रो के अकॉर्डिंग, इक्वल सेल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी। अगर मैं सपोज कर चलो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब मैं सपोज कि यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि मैं यहाँ इस वाले थीटा को चूज कर रहा हूँ, इस वाली सेल के अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूँ, क्योंकि दो है तो इसमें से किसी एक को ही चूज करना होगा, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे तो एंट्री होगी, बट क्या होगी, एंट्री 0। यहाँ पे 5 प्लस थीटा यानी कि 10, यानी 5 माइनस थीटा, जो 5 थीटा इक्वल टू 5 लिया तो 5 माइनस थीटा 0 हो जाती। अब 5 प्लस थीटा जो हो गया 10, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, 15। यहाँ पे 5 माइनस थीटा 0, बट इसको हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 5, और इसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर से हमारे पास अगर देखो तो इसमें एंट्री कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे ये एंट्री नहीं है, ये भाई मिस्टेक एंट्री हो गई थी, ये एंट्री नहीं है, तो ये 6 ही एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। तो फिर से मैंने इसको U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 वैल्यू दी, ठीक है। तो U1 इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो V4 इक्वल टू 1, V3 इक्वल टू 5, एंड ये हो जाएगा 2, सिंपल सिंपली इस रिलेशन से, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब इसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ -1, ठीक है। और जब ये आ चुका है तो इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि V4 प्लस U3 इक्वल टू 1 रहेगा, यानी तो ये 0 हो जाएगा। अब जब ये आ चुका है तो इसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ 1। अब सारे वैल्यूज आ चुकी है, फिर से मैं चेक करूंगा sin dij का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो भी एम्प्टी सेल है ये नेगेटिव, यहाँ पे अगर देखूँ तो 2 -2 -7 नेगेटिव, 1 -1 -3 नेगेटिव, 1 -1 -6 नेगेटिव, 2 0 -5 नेगेटिव, 5 0 -6 नेगेटिव। तो अब सब जगह नेगेटिव है। जब सब जगह नेगेटिव है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन हम कहेंगे ये सॉल्यूशन चूंकि ऑल डीआईजी आर लेस देन इक्वल टू 0, सो इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं यहां से निकाल सकता हूँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखने के लिए किस तरह से लिखेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, O1 to B1 नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट होंगी वो 10, ठीक है, एंड O1 to यहाँ पे D3 नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट होंगी वो होंगी 10, O2 to D3 नंबर ऑफ यूनिट्स 15 ट्रांसपोर्ट होंगी, O3 to D सॉरी D2 नंबर ऑफ यूनिट्स 20 ट्रांसपोर्ट होंगी,
टू डी फोर नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट होंगी वो होंगी वन। देख लीजिए कोई और एंट्री तो नहीं दे चुकी यहाँ पे, टेन टेन ओ वन से हो गया हमारे पास, ओ टू से अगर देखो तो 15, 15 और यहाँ से ओ थ्री से डी टू 26, ठीक है, और ये जीरो है तो इसको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो टर्म होती है वो जीरो होती है, यानी कि ओ वन टू अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डी टू तो ये भी जीरो है, ओ वन टू अगर मैं बात करूँ सॉरी ओ टू टू डी टू बात करूँ तो ये भी जीरो है, ओ टू टू डी वन जो बात करूँ वो भी जीरो है। एंड ऑप्टिमल कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10 × 2 प्लस, क्योंकि 10 × 2 प्लस 10 × 5 प्लस 15 × 4 प्लस 20 × 1 प्लस 5 × 1, और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, सॉरी ऑप्टिमल वैल्यू आएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये रहा, ऑप्टिमल वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4C है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग जॉब टू मशीन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें जॉब असाइनमेंट करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जब भी आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन या असाइनमेंट प्रॉब्लम के या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ भी चेक करेंगे तो हमेशा चेक करना कि वो मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है जो मोस्ट ऑफ टाइम मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व की जाती है, बट कई बार क्वेश्चन को चेंज करते हुए वो मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करने के लिए जो भी रो वाइज एलिमेंट करते हैं, पहले रो वाइज ऑपरेशन करते हैं, जो भी रो का मिनिमम एलिमेंट होगा उसको माइनस करेंगे अदर एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो 6 को माइनस करूंगा मैं हर एलिमेंट से, यहाँ बचा 5, यहाँ हो गया 0, यहाँ बचा हमारे पास 8, यहाँ बचा हमारे पास 6 को माइनस कर रहा हूँ तो 10, और यहाँ बचा 11, इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम है वो क्या है 7, तो यहाँ पे इसको करूँगा तो 0, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 6, यहाँ पे 22 माइनस 7 करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 15, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, इसके अकॉर्डिंग मैं करूँगा तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 5 1 0 0, फिर से मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम क्या है 4, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली अगर देखूँ तो 4 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, इसके अकॉर्डिंग देखो मिनिमम, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम है 10, तो यहाँ बच गए 3, यहाँ बच गए हमारे पास 5, यहाँ बच गए हमारे पास 6 0 8, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, तो जब हम रो वाइज ऑपरेशन कर लेते हैं उसके बाद हमें कॉलम वाइज ऑपरेशन करना है, ठीक है, फिर से मुझे कॉलम वाइज ऑपरेशन करना है, तो कॉलम वाइज ऑपरेशन करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें अगर मैं 0 सबसे मिनिमम देखूँ 0 है तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 5 0 8 0 5, सेकंड में अगर देखो तो यहाँ पे 0 एलिमेंट एंट्री ऑलरेडी है तो 0, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 5 6 5, अब इसमें देखो तो यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, तो मिनिमम जो है वो 1 है, तो 1 को माइनस करूंगा मैं, हर जगह से 7, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो तो मैं 0 को माइनस करूंगा हर जगह तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 0 0 2 0, यहाँ पे 0 अवेलेबल है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 11 3 0 5 8। अब जॉब असाइन करेंगे, तो जॉब असाइन हमें रो वाइज स्टार्ट करना है, रो वाइज जॉब असाइन स्टार्ट करते हैं, ऐसी रो में फर्स्ट ऑफ ऑल उस रो में जॉब असाइन होगी, अगर इसमें एक ही 0 है तो जॉब असाइन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 0 होती तो जॉब असाइन नहीं करके हम नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं,
तो इसमें हम जॉब असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब असाइन कर दी, इस कॉलम में अगर कोई और जीरो, क्योंकि यहाँ जॉब असाइन हुई है तो इस कॉलम में अगर कोई जीरो है तो वो कट जाएगी, बट यहाँ कोई जॉब जीरो नहीं है, ठीक है। सेकेंडली फिर से मैं इस रो में जॉब असाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो जॉब असाइन नहीं कर सकता। फिर मैं थर्ड रो की तरफ मूव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं जॉब असाइन करना चाहूँ तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जॉब असाइन नहीं कर सकता। अगर मैं अब यहाँ पे जॉब असाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जॉब असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे इसमें और कोई जीरो नहीं है, ये जीरो, तो इस कॉलम की बाकी जीरो जो है वो कट जाएंगी, ठीक है। अब मैं फिर से अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी जॉब असाइन कर सकता हूँ, ये दोनों जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब जब रो वाइज ऑपरेशन खत्म हो गया तो फिर कॉलम वाइज ऑपरेशन चालू करना है। इस कॉलम में जॉब असाइन नहीं कर सकता, ऑलरेडी असाइन है, इसमें असाइन है, इसमें जॉब असाइन कर सकता हूँ, इसमें जॉब असाइन करते ही इस कॉलम की बाकी जीरो, रो की बाकी जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो इस कॉलम में कोई भी जीरो है ही नहीं, अब जॉब असाइन कर सकूँ, यहाँ पे भी कोई नहीं है, अब कोई भी जीरो ऐसी नहीं बची जहाँ पे जॉब असाइन हो सकती हो, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ तो सारे जॉब, सारे मशीनों के पास जॉब है, हम जॉब के सारे जो जॉब्स हैं उसके पास मशीन है क्या? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे यानी M2 के लिए कोई भी जॉब नहीं है अवेलेबल, तो ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमें हंगेरियन मेथड लगाना पड़ता है। हंगेरियन मेथड क्या कहता है कि जीरोज को इस तरह से कवर करो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ लाइन जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए और सारी जीरो कवर होनी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सिंपली जो प्रोसीजर है तो वो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें उस रो को चूज करना है जहाँ पे कोई भी जॉब असाइन नहीं है, यानी कि इसमें कोई जॉब असाइन नहीं है तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें वो जीरो देखनी है जहाँ पे क्रॉस क्रॉस जीरो है, तो क्रॉस जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों कॉलम को टिक कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम में देखेंगे कहाँ पर जॉब असाइन है, तो यहाँ पे जॉब असाइन है तो इसको टिक कर दूंगा मैं, यहाँ पे जॉब असाइन है तो इसको टिक कर दूंगा मैं। फिर से मैं देखूंगा कि इसमें कहीं कोई क्रॉस जीरो तो नहीं है, कोई क्रॉस जीरो इसमें अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली इसमें देखूंगा कोई क्रॉस जीरो तो नहीं है, कोई भी क्रॉस जीरो नहीं है, ठीक है। अब जब इसमें कोई क्रॉस जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो भी मार्क कॉलम है उनको चूज करना है, मार्क कॉलम कौन कौन से, ये और अनमार्क रो, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से कवर कर दूं, एक दो अनमार्क रो, एक एंड दो, ठीक है। अब अगर देखूं तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 5 से कम होनी चाहिए, तो 4 है, कम है, और सारी जो जीरोज हैं वो कवर्ड हैं, ठीक है। अब सब सारी जीरोज कवर्ड हैं तो उस कंडीशन में नेक्स्ट हमें क्या स्टेज होता है, वो होता है हमें जो भी मिनिमम जो कवर जो पॉइंट बचे हुए हैं, बेसिकली ये पॉइंट जो बचे हुए हैं, सो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये, इनमें से मिनिमम जो एलिमेंट है उसको चूज करना है और जो भी कवर नहीं है उनमें से माइनस करना है। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहले बात, जहाँ पे कवर नहीं है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ दो लाइन का क्रॉस है वहाँ पे ऐड करना है, और जहाँ सिंपली कवर है वहाँ पे कुछ नहीं करना। तो सपोज मैं इसमें से देखूँ 5, 14, 6, 3, 5, 5, 5, 8 और 3, इनमें से मिनिमम क्या है, 3, तो 3 को हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 8, ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 7, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 13, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 11, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे तो 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर देखो तो 8, और यहाँ पे जॉइंट है दो लाइनों का तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा यानी कि 11, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 एक कवर है, यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे भी कोई कवर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 3, और यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, यहाँ पे 3, 0, 2 एंड 2, क्योंकि 2 यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5,
यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये नया मैट्रिक्स आ गया। अब नए मैट्रिक्स में फिर से जॉब असाइन करता हूँ, तो पहले मैं इसमें जॉब असाइन कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। इसमें अगर कोई और जीरो है तो उसको काट दूंगा, पर कोई जीरो नहीं है। इसमें अगर मैं जॉब असाइन करने जाऊँ तो जॉब असाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें 3 जीरोज है। इसमें जॉब असाइन नहीं कर सकता हूँ, इसमें जॉब असाइन नहीं कर सकता हूँ, 2 जीरोज है। इसमें जॉब असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब असाइन करते ही इस कॉलम में जो भी जीरो होंगी उसको मैं काट दूंगा, ठीक है। अब मैं कॉलम वाइज जॉब असाइन करता हूँ, तो मैं इसमें देखो 2 जीरोज है, जॉब असाइन नहीं कर सकता, इसमें ऑलरेडी जॉब असाइन है। इसमें जॉब असाइन नहीं कर सकता क्योंकि 2 जीरोज है, इसमें जॉब असाइन नहीं कर सकता क्योंकि 2 जीरोज है। फिर से मैं रो वाइज जाऊंगा, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जॉब असाइन है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे 2 जीरोज है, इसमें 2 जीरोज है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे हर रो में हर कॉलम में 2 जीरो है। तो उस कंडीशन में मैं अपनी तरफ से सपोज यहाँ पे इसमें जॉब असाइन कर लेता हूँ, तो इस कॉलम की 2 जीरो कट जाएगी और रो की 0 कट जाएगी, ठीक है। फिर से नेक्स्ट रो पे जाऊंगा तो मैं इसमें जॉब असाइन नहीं कर सकता हूँ, फिर इसमें मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं जॉब असाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे जॉब असाइन करते ही ये 0 मैं काट दूंगा, ठीक है। फिर से इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कॉलम वाइज जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जॉब असाइन कर सकता हूँ। अब मैं देखो टोटल नंबर ऑफ जॉब असाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, और 5 ही लोग हैं, और अलग अलग पर्सन को। अगर ये बात करूँ तो J1 को जॉब असाइन है, J2 को जॉब असाइन है, J3 को, J4, J5, सॉरी ये मशीन से, M1, M2, M3, M4, M5 सभी को जॉब असाइन है। J1, J2, J3, J4, J5 पर भी जॉब असाइन है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये सॉल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होगा, यानी कि M1 को क्या जॉब असाइन करेंगे, ये हमने एक चूज किया था, इसके दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। पहले मैंने ये चूज किया था, आप ये चूज करके कर सकते हो या कोई और जीरो चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, M1 को जॉब असाइन करेंगे हम J1, M2 को जॉब असाइन करेंगे हम, सॉरी J2 क्या था, M1 को J2 और M2 को J1, M3 को J5, M4 को J3 और M5 को J4, ठीक है। ये जॉब असाइन है। और अब ऑप्टिमल अगर सॉल्यूशन निकालना होगा तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स था, कॉस्ट मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में था उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज थी, यानी कि अगर मैं इस सेल में बात करूँ, M1 J2 पे जो कॉस्ट थी वो क्या कॉस्ट थी, 6, और M2 J1 पे जो कॉस्ट थी वो थी 7, M3 J5 पे जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 2, M4 J3 पे जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 8, और M5 J4 पे जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 10। इसका अगर मैं सम कर दूं तो ये हो जाएगा 13 15, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 23 एंड 10 33। तो 33 इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल वैल्यू है। तो इस तरह से कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हमने पढ़ा था किस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पूरा जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है, और ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है। और इसमें भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी बाकी बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट ए बी और सी हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।